नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा, आप सभी वैकेंसी गुरु पर हो। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि RCET एग्जाम डेट डिसाइड हो चुकी है, घोषित हो चुकी है। और RCET जितने विद्यार्थी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए खुशखबरी यह है कि RCET की आपकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। दो चरणों में आपकी ये घोषित हुई है। कौन कौन से चरणों में हुई है, कौन कौन से महीनों की एग्जाम है और कौन कौन से बैचेस के एग्जाम है, साथ ही कब कब एग्जाम है, इनकी जानकारी मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ। बने रहिए पूरी वीडियो में। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि RCET की सितंबर से लेकर और नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर और इससे पहले भी जितने बैचेस के एग्जाम थे, इससे पहले भी जो जो बैच थे, उन सबके एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। एग्जाम कब है, कौन सी तारीख को है और कौन कौन से बैचेस के हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने के लिए वादा किया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, RCET का एग्जाम RKCL करा और VMOU करवाता है, जो कि अब की बार डेट इसकी दो डिसाइड हुई है, वो है आपकी 7 मई और 14 मई। पहला एग्जाम आपका 7 मई को है, दूसरा एग्जाम 14 मई को है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या दो एग्जाम होंगे? नहीं, केवल 7 मई को आधे जिलों के एग्जाम होंगे राजस्थान के अंदर, और आधे जिलों के होंगे आपके 14 मई को। कौन कौन से जिलों के होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। बैचेज हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022, ये बैचों के एग्जाम है। और इससे पहले वाले भी जो है ना, अगस्त में जिसका नहीं हुआ था, जून जुलाई में जिसका नहीं हुआ था, या फिर पहले जो फेल हो गए थे उनका, इन सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम अभी होंगे। फेल वो बच्चे हुए होंगे जो वैकेंसी ग्रुप से, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी। अब वैकेंसी ग्रुप से जो भी पढ़ेगा उसकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये मैं विश्वास दे रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम आपका जो है 10 से 11 सुबह रहेगा, एग्जाम का टाइम जो है वो 10 से 11 रहेगा, और ऑन एग्जाम डे 11-15 पर क्या होगा, आपकी वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर, जिस पर आप अभी देख रहे हो, यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी। और इस वेबसाइट पर आपको जाना है तो गूगल में वैकेंसी गुरु सर्च करना, इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको जिलों की लिस्ट दिखाई देगी। प्रथम श्रेणी में जो जिलों की 7 मई को जो एग्जाम है, वो है आपके अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, इन डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जाम 7 मई को है। दूसरी पारी में 14 मई को बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर, ऐसे करके 33 जिलों के एग्जाम आपके घोषित हो चुके हैं। अब अभी तो मैं 33 के बता रहा हूँ, अगली बार हो सके एग्जाम हो जाए तो मुझे 50 जिलों का बताना पड़े, क्योंकि गहलोत साहब ने बढ़ा ही दिया है जिले तो। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी इन इन जिलों का एग्जाम है, तो आपको मालूम चल गया होगा। एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना है, ध्यान से सुन लो। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको वैकेंसी ग्रुप वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको RCET एग्जाम के क्वेश्चन दिए गए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं, ऑनलाइन टेस्ट दिए गए हैं, और ओल्ड पेपर यहाँ से देख सकते हो, आईएलएन आपके यहाँ देख सकते हो। इन सबकी आप अच्छे से तैयारी कर ले, और अगर ये कर लेंगे तो आपकी RCET में बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप हमें कमेंट कर दें, हम इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको तैयारी करवाने के लिए। तब तक के लिए आप रेगुलर वैकेंसी गुरु पर बने रहिए, अपने सभी दोस्तों को सूचना दे दो, तैयारी करनी है वैकेंसी गुरु से, अच्छी परसेंटेज बनानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।